यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश देश की आवाज में, जहां पर हम मुद्दे उठाते हैं और आप यानी कि जनता हमें अपनी राय पहुंचाती है। और आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही आपके सामने लेकर हम पेश हुए हैं जो वाकई जनता से सरोकार करता है। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी हाँ, ग्राम प्रधान और सपा नेता का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और स्कूल में अश्लील डांस चला। पढ़ाई के दौरान स्कूल में डांस करती हुई बार बाला नजर आती। यूपी के बलिया में शिक्षा का मंदिर अश्लील डांस का मंच बनकर सामने आया। जानकारी के मुताबिक शिक्षा के मंदिर में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इस कार्यक्रम में पुलिस वाले भी मौजूद थे और सम्मानित भी किए गए। यही नहीं, शिक्षा के मंदिर में बार बालाओं का डांस उस वक्त हो रहा था जब स्कूल में बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल की, जहां पर बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी और साथ ही यहां पर बार बालाएं जमकर ठुमके लगाती नजर आ रही थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ स्कूल में बच्चों की पढ़ाई चल रही है, शोर शराबे में बच्चे अपने आप को कैसे ना कैसे करके शोर शराबे से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है। स्कूल क्यों बना अश्लील डांस का अड्डा? शिक्षा के मंदिर में अश्लील डांस क्यों? स्कूल में बच्चों को दी जा रही है कौन सी शिक्षा? ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे? स्कूल के वक्त में इस तरह के कार्यक्रमों का आखिरकार क्या है औचित्य? ऐसे नेताओं पर क्या होनी चाहिए कार्रवाई? जी हां, स्कूल आखिरकार अश्लील डांस का अड्डा बनकर रह गया। चलिए अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। ये नाच गाना, लोगों की भीड़, मंच पर बार बालाएं और उनके ठुमकों पर जमकर नोट उड़ाते लोग, ये सब आपको किसी शादी समारोह या फिर किसी कार्यक्रम की याद जरूर दिला रहा होगा। और याद आए भी तो क्यों ना, क्योंकि इस तरह के अश्लील डांस तो किसी शादी समारोह या फिर किसी रसूखदार शख्स के निजी कार्यक्रम में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ये डांस जहां हो रहा है, ये सोचकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो ये बच्चों का स्कूल है? कौन सा स्कूल है? अच्छा, तो आज ये स्कूल के बाहर इतने शोर शराबे हो रहे हैं, तो क्या इससे बच्चों को कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है? पढ़ा नहीं पा रहे होंगे बच्चों को? हाँ, पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चे, बार बार कह रहे हैं बाहर जाना है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए उनका ध्यान उधर जा रहा है। ये जनाब टीचर थे और जो पीछे से शोर आ रहा था वो उसी डांस का था जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अब आप समझ ही गए होंगे ना कि आखिर ये अश्लील डांस हो कहां रहा था। और नहीं तो चलिए हम बता देते हैं, दरअसल ये अश्लील डांस शिक्षा के मंदिर में परोसा जा रहा था। बिल्कुल सही सुना आपने, ये तस्वीरें बलिया के प्राथमिक विद्यालय आसमान ठोटा की है, जहां एक तरफ मासूम बच्चे पढ़ रहे थे या यूं कहें कि इस शोर शराबे के बीच पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी वक्त स्कूल के ग्राउंड में ग्राम प्रधान राजेश कुमार पांडे का कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। विद्यालय तो मेरे समझ से, और इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन
विद्यालय 1 बजे तक चला है और कार्यक्रम 1 बजे के बाद हुआ है और विद्यालय के विद्यालय भवन के में नहीं हुआ है बल्कि विद्यालय के ग्राउंड में। ये थे रामशंकर विद्यार्थी जो सपा नेता है और जिन्होंने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत भी की। इनकी माने तो कार्यक्रम स्कूल खत्म होने के बाद किया गया, लेकिन लगता है नेताजी को इस वक्त स्कूल में पढ़ते बच्चे दिखाई नहीं दिए। दिखाई देते भी तो कैसे, आखिर मंच पर खड़ी बार बाला और उसके लटके झटकों से किसी की नजर हटती होती तब जाकर तो बच्चों पर किसी की नजर पड़ती। अब मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। निश्चित रूप से विद्यालय का जो कैंपस है वो पठन पाठन के लिए है और पठन पाठन के दौरान किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधि प्रोहिबिटेड है। और जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है मुझे कि इस प्रकार का कंबल वितरण कार्यक्रम में जो है शोर शराबे के बीच ही पठन पाठन चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ाई के दौरान। और ये आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है, मैं तत्काल अभिखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर रहा हूँ इसकी जाँच करके और एक रिपोर्ट दें जो है कि इसके लिए जो है जिम्मेदार कौन है। बीएससी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। भले ही आने वाले वक्त में स्कूल से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में इस तरह के अश्लील डांस का मतलब क्या है और क्यों बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं। खबरें अभी तक के लिए बलिया से आसिफ जैदी की रिपोर्ट। तो पूरा मामला लगभग आप समझ ही गए होंगे। दरअसल एक स्कूल में अश्लील डांस यहां पर चल रहा था। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि किसी नेता का यह कार्यक्रम था, लेकिन बात अगर बच्चों की जाए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, तो वो भी स्कूल में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस शोर शराबे के बीच शायद वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तो पहले दर्शक का रुख करेंगे। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलदेव सिंह सिरसा से। बलदेव सिंह, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? इसमें मेरी राय ये रहेगी कि हमारा जो ये है नेहरू खानदान ने शुरू में जब से आजाद हुआ है देश, इन्होंने हमारी संस्कृति को बिगाड़ के छोड़ दिया जी, जिसके कारण आज ये, और जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा लगे इंदिरा इज इंडिया, तो उससे क्या होगा कि ऐसे ही नेता उत्पन्न हो गए और उसके बाद में ये भ्रष्ट नेता उत्पन्न हुए हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और ये सारा का सारा हमारी सामाजिक व्यवस्था को इस कांग्रेस ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, जिसका ताजा उदाहरण यही है कि अभी इन्होंने वंदे मातरम के ऊपर पाबंदी लगा ली। जो शख्स सरदारों के कत्ल का जिम्मेवार है उसको इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। हर चीज में कांग्रेस गलत वो स्टेप ले रही है और उसका कारण है कि नेहरू खानदान पर निर्भर होना। और आज जो जितने भी कांग्रेस में नेता हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर लगे हुए हैं, इसके गुणगान में लगे हुए हैं और इनकी संस्कृति दी हुई है जिसकी वजह से ये, जब तक संस्कृति को नहीं सुधारा जाएगा ये ऐसे ही असली डांस वगैरह ये स्कूलों में होते रहेंगे। और दूसरा कारण है कि स्कूलों के अंदर टीचरों की जो एक 90% वाला तो रह जाता है और आरक्षण और उसकी वजह से 30% लेने वाला टीचर लग जाता है, तो वो यही सिखाएंगे बच्चों को और उसमें उनके पास सिखाएंगे लिए जी। बलदेव सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो राय आपने रखी। तो कहीं ना कहीं हम भारतीय अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और बच्चों के लिए जो बेहद जरूरी चीज है वो है शिक्षा, उसको नजरअंदाज कर देते हैं कई बार अपने सुख के लिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे दर्शक की राय थी। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय को रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए उस पर आपकी क्या राय है। अगले दर्शक विजय भाटिया समालखा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय भाटिया, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, इस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम। ये जो तस्वीरें आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखी हैं, तस्वीरों के माध्यम से पता चलता है कि ये एक सरकारी स्कूल है जिसमें मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं जी। ये उन घरों से बच्चे आते हैं जो निजी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं जी। इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए ऐसा डांस यहाँ करवाने पर। इन बच्चों की मानसिकता पर क्या फर्क पड़ेगा, इनके माँ बाप क्या सोचेंगे कि हमने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, बाहर अश्लील डांस हो रहा है। और इस तस्वीर के माध्यम से ये एक बात साफ साबित हो जाती है कि हमारे नेता कितने भोग विलास में डूबे हुए हैं।
उन्हें ये भी नहीं मालूम कि वहाँ मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य है। आज उन्हें अगर हम बचपन में ये ऐसा डांस दिखाएंगे, ऐसा करेंगे, तो भविष्य उनका क्या होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय भाटिया, जो आपने राय रखी। और अगले दर्शक हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी क्या नाम है आपका और क्या राय रखना चाहेंगे आप? मैं सुरेश बोल रहा हूँ शिमला से। जी सुरेश बताइए क्या राय रखना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि गरीबों के बच्चों के साथ मजाक है ये। जी जी सुरेश बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश, आपने ये राय रखी। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय को रख रहे हैं, आप भी खबरें अभी तक के इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। देश की आवाज एक ऐसा मंच आपको प्रदान करता है जहां पर आप अपनी आवाज जनता तक पहुंचा सकते हैं, सरकारी महकमे तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। स्कूल में बच्चों को ये कैसी शिक्षा दी जा रही है, ये बड़ा सवाल, और ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे? जी हाँ, ये बड़े सवाल लेकर हम आपके सामने आज पेश हुए हैं। स्कूल के वक्त इस तरह के कार्यक्रमों का क्या औचित्य बनता है? स्कूल चला एक तरफ, दूसरी तरफ बार बालाएं डांस कर रही है, वो भी अश्लील डांस, ऐसे नेताओं पर क्या कुछ कार्यवाही होनी चाहिए? अगले दर्शक का अनिल प्रताप सिंह बुंदेलखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है अनिल खबर अभी तक पर। जी बताइए क्या राय है इस पर आपकी? मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें प्रिंसिपल कम दोषी है, ये नेता इसमें बहुत ज्यादा दोषी है। जी क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बच्चों को वही बच्चे पढ़ रहे हैं, वही पे ये लोग ऐसा करा रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे वहाँ? जी है, तो हमारे हिसाब से योगी जी को इसको संज्ञान लेना चाहिए, और जिस पार्टी के नेता है उन पार्टी को भी अपने नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल प्रताप हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो राय आपने रखी, तो अनिल का कहना है कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ हम इस प्रकार के डांस को ही क्यों तवज्जो देते हैं कार्यक्रमों में, क्यों भारतीय संस्कृति से ताल्लुक रखने वाले डांसों को हम नहीं करते हैं और नृत्य को नहीं करते हैं, ये भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। स्कूल में बच्चों को ये कौन सी शिक्षा दी जा रही है? जी हाँ, देश की आवाज का आज का सवाल, ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे? दीजिए अपनी राय, हमें कॉल करें, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। स्कूल के वक्त में इस तरह के कार्यक्रमों का क्या औचित्य है? जी हाँ, एक तरफ स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शोर शराबा हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक नेता का कंबल वितरण कार्यक्रम था जहां पर वो कंबल वितरित करने वाले थे, लेकिन यहां पर बार बालाओं को बुलाया गया। अगले दर्शक अमन नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमन आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। जी बताइए इस पर क्या राय रहेगी आपकी? ये तो बहुत ही गलत काम है, एक छोटे बच्चों के स्कूल में, तो उनकी वैसे ही स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, ऊपर से इस तरह का कार्यक्रम करके मतलब पढ़ाई का और नुकसान करना, और वो भी इस तरह के माहौल में उनके मनोवृत्ति पर मतलब मन पे खराब असर पड़ेगा, बड़े होकर अपराधों को देंगे तो फिर कहेंगे कि लोग अपराध बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से मतलब बच्चों के मन पे एक बीज बोने की तरह मतलब एक गलत बीज बोने की परंपरा को चालू करा जा रहा है। और जो जैसे हमारे देश में जो अच्छे संस्कारों की बात दीजिए, विद्यालय में जैसे रामायण पढ़ाए, गीता पढ़ाए, तो कांग्रेस भगवाकरण करके विरोध करती है उसका। तो ये सब चीजें, अब जैसे बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर के स्कूल भी होते हैं, उनमें बड़े अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, ये सब बातें चलती रहती हैं। हम छोटे थे तो हमारी मौसी स्वाति रैना ने तो हमारी पढ़ाई चीज कराई थी, लेकिन अब कोई नहीं कराता है। और भ्रष्ट नेता किशोर राजवानी इतने भ्रष्ट है, ये इनका कुछ नहीं है, अपने भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो लोग संस्कार क्या देंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन इस तमाम राय के लिए जो आपने राय रखी देश की आवाज के मंच के इस माध्यम से। तो आपको बता दें जिस प्रकार से अमन का ये मानना है कि जब पाठशालाओं में गीतों के बारे में बताया जाए, भागवत गीता के बारे में ज्ञान दिया जाए, रामायण के बारे में ज्ञान दिया जाए, मां भारत के बारे में ज्ञान दिया जाए, तो वो भगवाकरण कहलाता है बाकी नेताओं की नजर में, लेकिन खुद यहां पर एक नेता के कार्यक्रम में बार बाला जमकर ठुमके लगा रही है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस पर अपनी राय दे सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। स्कूल के वक्त में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना ये कितना सही है? ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
स्कूल क्यों बना अश्लील डांस का अड्डा। स्कूल क्यों बना अश्लील डांस का अड्डा। जी हां, ये बड़ा सवाल। जहां पर एक तरफ स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बार बाला डांसर अश्लील डांस कर रही है। इसी कार्यक्रम में गाय भर के आपने एक तरफ डांस हो रहा है जिसका शोर शराबा बच्चों के स्कूल तक आ रहा है और बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कई सवाल ये खड़े करता है। अगले दर्शक वीरेंद्र आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, इस पर आपकी क्या राय है? इसमें राय ये है कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है, ये सब इसका दोष है जी। जहाँ भी कम्बल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है जी, ये गवर्नमेंट का कार्यक्रम है। जो भी प्रधान है जिसने आयोजन कराया है वो इसका दोषी है। और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब गरीब दलित पिछड़ों के बच्चे हैं। इसमें कोई भी बच्चा अपर जो अच्छे पैसे वाले हैं उनका नहीं है, और इसीलिए इसको ध्यान नहीं रखा गया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तो वीरेंद्र, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका ये मानना है, एक तो बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जाहिर है कि उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को निजी स्कूल में डाल सकें, और ऐसे में यानी कि गरीब तबके से बच्चे आते हैं और इसीलिए इन पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है। ये बड़ा सवाल भी अपने आप में है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बार बालाएं जमकर ठुमके लगाती नजर आ रही हैं और नेता भी इन पर नोट उड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए स्कूल की, जहां के आंगन में ये कार्यक्रम रखा गया था, जहां के आंगन में ये सारा कार्यक्रम हो रहा था, उस समय बच्चे कैसे ना कैसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अगली दर्शक अनिता राणा शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिता राणा, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, इस पर क्या राय है आपकी? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जनता ही ऐसे लोगों को चुनती है, ऐसे काम करते हैं, जनता को भी सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए ना जी। हाँ जी, बच्चों को ऐसी ऐसी शिक्षा दे रहे जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिता राणा आपकी राय के लिए। तो जनता को अपने मत का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक दिन का मतदाता राजा होता है और उसकी एक दिन की गलती उसे 5 सालों तक भुगतनी पड़ती है। इसलिए आप मतों का इस्तेमाल भी सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि ऐसे हालात अभी एक स्कूल के देखने को मिल रहे हैं, बाकी स्कूलों के भी हो सकते हैं। इसलिए अपने नेता की पहचान जनता को भी अच्छे से होनी चाहिए कि आपका नेता कैसा है, तभी वो देश को विकास की ओर ले जा पाएगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। आज के सवाल, स्कूल में बच्चों को ये कैसे शिक्षा दी जा रही है, ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे, स्कूल के वक्त में इस तरह के कार्यक्रमों का क्या औचित्य है, ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जहां पर कंबल वितरण कार्यक्रम की आड़ में बार बालाएं जमकर ठुमके लगाती नजर आ रही हैं और नेताजी उन पर पैसे उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो अभी आपने देखा और इस वीडियो में देखा कि कैसे बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे पढ़ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि शोर शराबा आ रहा है और शोर शराबा किसी
अन्य इमारत से नहीं बल्कि उनके स्कूल में बने आंगन से आ रहा है। जी हाँ, स्कूल के आंगन से आ रहा है और आंगन में शोर शराबा है, बार बालाओं के नाचने का, उनके गाने का। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नेताजी का यहाँ पर कंबल वितरण समारोह था और वो कंबल गरीबों को बांटते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस दौरान बार बालाओं पर रुपए उड़ाते भी वो नजर आए। जी हाँ, और बार बालाएं यहाँ पर जमकर ठुमके लगाती नजर आई। अगले दर्शक नरेश हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। जी बताइए, इस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। ये हमारे देश में ऐसे भ्रष्ट नेता प्रकट हो गए जी, इन्होंने सब कुछ बेकार कर दिया जी। जी हाँ जी, इनको सबको उठा के जेल में डालना चाहिए। ऐसे नेता इस देश में नहीं चाहिए हमारे को। ये गंदे लोग पैदा हो गए है जो की बच्चों को भी बिगाड़ रहे है, अच्छा काम नहीं कर रहे। जी नमस्कार मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश। जिस प्रकार से आपने ये राय रखी है और आपका मानना है कि भ्रष्ट भी हमारे नेता हो गए हैं, इस कड़ी को भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, लेकिन उसकी आड़ में बार बालाएं आप देख सकते हैं कैसे जमकर ठुमके लगाती नजर आ रही है। चलिए, निजी कार्यक्रम होता एक बार के लिए मान लेते, या फिर किसी की शादी होती फिर भी एक बार के लिए मान लेते कि मौज मस्ती यहां पर चल रही है, लेकिन स्कूल के प्रांगण में, जी हां, सरकारी स्कूल के प्रांगण में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना कितना सही है, ये आज का बड़ा सवाल है, जिस पर आप हमें कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय को रख सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं, देश की आवाज बन सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें ये वीडियो उत्तर प्रदेश से वायरल हो रहा है, जहां पर एक बार बाला जमकर स्कूल के प्रांगण में ठुमके लगाती नजर आ रही है और उस पर पैसे भी लुटाए जा रहे हैं। कंबल वितरण समारोह की आड़ में ये सब कुछ यहां पर चल रहा है। अगले दर्शक छज्जूराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छज्जूराम, आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। जी बताइए, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये, स्कूल में किस तरह की शिक्षा देने की सोच रहे हैं नेता लोग जी? बाल डांस करवा, बाल बालाओं से डांस करवा रहे हैं और करवा रहे हैं। कारण भी है कि इन अधिकारियों के और राजनेताओं के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते जी, तो जिनने भी ये काम करवाया उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो तो अच्छा रहेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया छज्जूराम, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये राय रखी, तो वाकई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, यानी कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सीख ऐसे नेताओं को मिलनी चाहिए। नेताओं को क्या, जनता को भी मिलनी चाहिए कि अगर कहीं स्कूल के प्रांगण में या फिर स्कूल में ऐसा कार्यक्रम हो तो वो ना ही जाएं, बेहतर है, ताकि नेताओं को भी पता लगे कि जनता सचमुच क्या चाहती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। स्कूल में बच्चों को ये कौन सी शिक्षा दी जा रही है, ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे, बढ़ेंगे बच्चे? स्कूल के वक्त में इस तरह के कार्यक्रमों का क्या है औचित्य? अगले दर्शक गुरजन सिंह गुलाचिका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। जी बताइए, आपकी क्या राय है? मैडम जी, फरमानी जी, राजनीति ने बिल करी है, इतना का नंबर वन बना रहे हमारा भारत नु ला रहे हम जी, यूं ही करने वाले कर रहे हैं, जनता क्या करेगी इसके बारे में, क्या समझेगी? बिल्कुल ना इनके बच्चे पढ़ते ना इनकी बेटियां पढ़ते, इन्हें तो बिल्कुल जो शर्म कर दी बीजेपी वाले, बिल्कुल जी जी। और इससे ऊपर क्या करेंगे, जब राजनेता और नलिन पर स्कूल में जाकर पैसे, अच्छी शिक्षा तो क्या देंगी कि जब इनके बच्चे नहीं पढ़ते, इन्हें क्या पता अच्छी शिक्षा क्या हो सरकारी स्कूल की जी। सरकारी स्कूल कहने नाश मार दिया बिल्कुल, जा वो तो वहाँ कर कमी राजी बिल्कुल जी, इन पर एफ आई दर्ज होनी चाहिए मैडम जी। मैं तो कहना चाहवा कोई भी नेता चाहे आम बनता है तिरंगा हरकत करा, उस पर एफ आई दर्ज होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरजन सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक सुरेंद्र भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आपका भी स्वागत है खबर अभी तक पर। जी बताइए, क्या राय देना चाहेंगे इस पर आप, या क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखकर? नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं सोशल वर्कर सुरेंद्र गुंजे और भिवानी इसी बोल रहा हूँ जी। सुरेंद्र बोलिए। इस बारे में यही बोलना चाहूंगा मैम कि अंधेर नगरी और चौपट राजा जी, बिल्कुल
बिल्कुल अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाला का मैं गरीब कंबल वितरण समारोह जहां बताया जा रहा है, गरीबों को कंबल रजाई सर्दियों में देने के बजाय लोगों को अच्छे से मोटिवेट करने के बजाय केवल टू केवल डांस मनोरंजन का कार्यक्रम यहां पर दर्शाया जा रहा है जी। और इसमें जो भी गेस्ट अतिथि जो आते हैं उनको हमेशा पहले प्रोटोकॉल के आधार से पता होना चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां क्या होगा, ना तो इसकी सूचना जो कार्यक्रम करते हैं वो देते हैं और जो आते हैं उनको भी मालूम नहीं होता है। तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा है सरकार में और कुछ नहीं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जो राय आपने रखी। तो देश की आवाज में इस मुद्दे को लेकर आज हम आपके सामने पेश हुए जहां पर सचमुच बच्चों की शिक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देश की आवाज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।